आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी कौओं की गिनती। महाराज कृष्णदेव राय को तेनालीराम से बेढंगे सवाल पूछने में बड़ा आनंद आता था। वे हमेशा ही ऐसे सवाल पूछते जिसका जवाब देना हर किसी को नामुमकिन सा लगता, लेकिन तेनालीराम भी हार मानने वाले नहीं थे। वे भी महाराज को ऐसे जवाब देते कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि आगे क्या पूछें। एक बार महाराज ने तेनालीराम से पूछा, क्या तुम अपने राज्य के कौओं की संख्या बता सकते हो? तेनालीराम ने कहा, जी महाराज बिल्कुल बता सकता हूँ। कौओं की संख्या बिल्कुल सही बतानी है, ये नहीं कि कुछ भी अंदाजा लगा दो और कुछ भी बता दो। जी महाराज, मैं कौओं की बिल्कुल सही संख्या ही बताऊंगा, आप विश्वास रखें, तेनालीराम ने कहा। तब महाराज बोले, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तेनालीराम ने साहस के साथ कहा, महाराज मुझे आपका हुक्म स्वीकार है। तेनालीराम के विरोधी मन ही मन खुश होने लगे। उन्होंने सोचा कि आज तो तेनालीराम बुरी तरह फंस चुका है, भला कौओं की गिनती कैसे की जा सकती है। तभी महाराज ने तेनालीराम से सवाल का उत्तर मांगा। तब तेनालीराम बोले, महाराज हमारे राज्य में 120,550 कौवे हैं। महाराज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या हमारे राज्य में इतने कौवे हैं? हाँ महाराज, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप गिनवा कर देख सकते हैं। अगर गिनती कम या ज्यादा हुई तो? महाराज ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता महाराज। अगर ऐसा हुआ तो अवश्य हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्य में गए होंगे, या फिर यह भी हो सकता है कि दूसरे राज्य के कौवे हमारे राज्य के अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए हों। इस स्थिति में तो कौओं की संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है महाराज, वरना तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है। तेनालीराम का उत्तर सुनकर महाराज निरुत्तर हो गए और तेनालीराम के विरोधी हाथ मलते हुए रह गए, क्योंकि तेनालीराम ने उनकी खुशी पर एक बार फिर से पानी फेर दिया था। दोस्तों ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी कौओं की गिनती।